अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर फैब डॉक्टर फारिया बुखारी, पाकिस्तान इस्लाम पॉजिटिव लीग की चेयरपर्सन, आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी माँ जैसी आपसे इस वक्त बात कर रही हूँ इन रिगार्ड्स टू द लेटेस्ट जो डेवलपमेंट हुई है. पीडीएम जो कि ऑपोजिशन, पीडीएम पीटीएम, दे बोथ सिनोनिमस एंड दे सर्टिफाइड ट्रेटर्स. दे हैव फेल्ड अस मैनी टाइम्स बिफोर एंड देर फेलिंग अस अगैन. आजमाए हुए को क्या आजमाना आपने? पिछले 30 सालों में इन लोगों ने पाकिस्तान को खाया है, लूटा है, तबाह किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान का उसका सत्यानाश किया है. और ये इमरान तो बहुत बाद में आया है, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर बाजवा बहुत बाद में आए हैं. ये तो कब से पाकिस्तान को लूट रहे हैं. आपने देखा फ्लडिंग हुई अभी कराची में और कैसे तबाही फैली है. थर में बच्चे किस तरह से ड्राउट में, किस तरह से मेल न्यूट्रिशन से बच्चे वहाँ पे मरते हैं. मतलब ये सब चीज़ें जो हुई हैं, ये अभी इमरान के दौर में तो नहीं थी, ये तो ये जरदारी के दौर में हुई हैं बहुत ज़्यादा. फिर जब फ्लडिंग हुई है तो मैं खुद जब मेडिकल कैंप्स करती थी तो मैं खुद इनकी हालतें देखती थी. घोस्ट BHUs होते थे, घोस्ट स्कूल्स होते थे कि जहाँ पे तबाही फैली होती थी, और टीचर्स नहीं होते थे, डॉक्टर्स नहीं होते थे, और दवाइयाँ सही नहीं होती थी. इवन जो गवर्नमेंट की तरफ से मेडिकल कैंप्स लगे ये फ्लड विक्टिम्स के लिए, उनके अंदर दवाइयाँ सारी जाली थी और लोगों को आराम नहीं आता था उनकी दवाइयाँ लेकर. और फिर जो भी एड, फॉरेन एड आती थी, सऊदी अरेबिया ने इतनी एड दी, डिफरेंट मुल्कों ने इतनी एड दी, वो सब एड ये लोग मार्केट में बेच देते थे. मतलब डेट्स जो थी वो लिटरली मार्केट में बिक्री होती थी. तो ये इनके ज़माने की कारकर्दियाँ हैं, और ये लोग अपने आप को बहुत बढ़ा चढ़ा के बयान कर रहे हैं. द रियलिटी इज़ दिस कि ये लोग बहुत करप्ट हैं, इन्होंने बहुत करप्शन को फ़रोग दिया है, इन्होंने अपने बच्चों के लिए जायदादें बनाई, इन्होंने मुल्क का सत्यानाश किया, और अब इनकी औलादें जो हैं आगे से इन्होंने स्टेशन कर दी हैं कि वो मज़ीद हमारे मुल्क का सत्यानाश करें. और आर्मी का तो आप बाद में छोड़ देना, वो तो इन्होंने एक, वो उनको लगता है कि आर्मी का नाम लेके इनको वो पॉलिटिकल लेवरेज मिलती है, इनको वो अटेंशन मिलती है, इनको मीडिया कवर करता है, मीडिया को पैसे मिलते हैं. अगर वो आर्मी के ख़िलाफ़ स्लैंडर को कवर करें तो मीडिया को उसको उसके बहुत ज़्यादा वो प्रॉफिटेबल है, उनके लिए एंकर्स के लिए वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है. अगर वो यू नो इट्स अ बिजनेस फॉर देम, इट इज़ अ कॉरपोरेशन, कि इसमें हमारे लिए पैसा मिलेगा अगर हम आर्मी के ख़िलाफ़ बोलेंगे, अगर हम आर्मी के ख़िलाफ़ लोगों की माइंड प्रोग्रामिंग करेंगे तो उसमें हमें इंडिया और इसराइल जो हैं बहुत पैसा देंगे. तो इस वजह से इट इज़ प्रॉफिटेबल फॉर देम, इट इज़ अ बिजनेस फॉर देम. और ये इनके लिए भी बिजनेस है, इनका भी मोनार्क बेस्ड सिस्टम है, ये डेमोक्रेसी कोई नहीं है. आगे से बेटी को खड़ा कर दिया नवाज़ ने, उधर से इसने जरदारी ने बिलावल को खड़ा किया हुआ है. एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट इट एंड ऑनेस्टली यू नो आई एम लाइक इन स्पाइट ऑफ व्हाट वी नो वी आर स्टिल लेटिंग दिस पीपल डू ऑल दीज थिंग्स. तो हमारे साथ मसला है, क्योंकि हम क्या नहीं चाहते कि हमारा मुल्क भी दूसरे मुल्कों की तरह तरक्की याफ्ता हो, हमारे बच्चों को भी हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन मिले, हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं वो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे आएं. तो ये सब इन लोगों के साथ तो नहीं होगा ना, इस लीडरशिप में तो नहीं हो सकता जो कि नवाज़ पिछले इतने सालों से हमें कोशिश कर रहा था देने की अपनी पार्टी के थ्रू, फिर जरदारी की जो पार्टी है उसके थ्रू. तो ये सब नहीं हो सकता. हमने आजमाए हुए को अब क्या आजमाना है. इनको तीन तीन दफ़ा आपने हुकूमतें दे के देखा, पाकिस्तान का सत्यानाश इन्होंने कर दिया. तो अब आप क्या उम्मीद करते हो कि अब क्या ये वापस आके, क्या अब इनके पास मैजिक वॉन्ड आ गया है कि पाकिस्तान को चेंज कर देंगे? ये नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ तबाही ला सकते हैं. और आप लोग, इतना मैं बता दूं कि अगर ये इस वक्त इतने धड़ल्ले से फिर रहे हैं पाकिस्तान में और इतनी बेबाक तरीके से फिर रहे हैं, तो इसमें मोस्ट लाइकली जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आर्मी हमारी जो है, पाकिस्तान की जो आर्मी है उसमें कुछ पावरफुल जनरल्स हैं जो कि इनको सपोर्ट कर रहे हैं, और उसमें डिवीजन हो चुकी है, आपकी आर्मी जो है वो डिवाइड हो चुकी है. और आई थिंक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो जनरल कमर बाजवा हैं, उनको इस बात का पता भी है कि इनके पीछे कुछ पावरफुल जनरल्स मौजूद हैं,
कि जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं और जो इनको सेव कर रहे हैं, रेस्क्यू कर रहे हैं। अब देखें ना, इनकी हिस्ट्री देखें, जरदारी की हिस्ट्री देखें और नवाज़ की हिस्ट्री देखें। नवाज़ जो है वो जनरल्स की गोद में पला भरा है, उसके कुछ जनरल्स के साथ बड़े स्ट्रॉन्ग टाइज हैं, और अचानक ही जो उठ के खड़ा हो गया है, ये अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जुआ खेल रहा है। तो ये क्या ओवरनाइट, मतलब खुद से तो इसके अंदर इतना डरपोक है कि ये लंदन से वापस नहीं आ रहा, इतना डरपोक है कि जेल में डाल देंगे इसको। तो आप मुझे बताएं कि जब वो इतना डरपोक है कि वो लंदन से वापस नहीं आ रहा, तो वो क्यों इस तरह से बेबाक तरीके से इस तरह से बोल रहा है? किसके बलबूते पे बोल रहा है? सिर्फ इंडिया और इसराइल के बलबूते पे तो नहीं बोल रहा। देर इज़ मोस्ट लाइकली देर इज़ सपोर्ट विद इन द आर्मी फैक्शंस। अनफॉर्चुनेटली कुछ पावरफुल जनरल्स हैं जो कि उसकी बैक पर हैं, और उसको पता है कि उसके पास सपोर्ट है। यही वजह है कि उसकी जो बेटी है वो दंदनाती फिर रही है, और वो बकवास कर रही है, और उसको कोई हाथ नहीं लगा रहा। आप देखें कि नैब के दफ्तर के बाहर उन्होंने क्या तमाशा किया, इसकी बेटी ने पत्थर मारे। मैं अगर जाके आज नैब के बाहर पत्थर मारूंगी तो मुझे तो फौरन धर लेंगे, जेल में डाल देंगे, मेरे ऊपर केस चल जाएगा। आप में से कोई कोशिश करके देख लें, नैब के दफ्तर के बाहर जाएं और जाके पत्थर मार के आएं, तो देखिए आपको वो पकड़ लेंगे, आपको जेल में डाल देंगे, आपके ऊपर केस चलेगा और आपकी पेशियों पे पेशियाँ होंगी और आप जेल में सड़ते रहोगे, गलते रहोगे। लेकिन इनको कोई हाथ नहीं लगा रहा, मरियम को कोई हाथ भी नहीं लगा रहा। क्यों नहीं लगा रहा? क्योंकि आर्मी के कुछ पावरफुल जनरल्स खुद इनके साथ हैं, और इनको पता है कि ये अकेले नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ये वही ज़माना आ गया है जो कि लेट 1960s में, 1971 से आई वुड से 1969 का ज़माना, कि जब अयूब और याहिया के दो फैक्शंस बन गए थे आर्मी में, कि अयूब के फेवर में कुछ लोग थे आर्मी के अंदर, कुछ जनरल्स थे, और कुछ जो थे वो याहिया की फेवर में थे। और ये जब आर्मी हमारी डिवाइड हो गई, और फिर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ वो भी डिवाइड हो गईं, उनके पॉलिटिकल जो थे वो भी डिवाइड हो गए, तो मुल्क टूट गया। और यही चीज़ अब दोबारा से हो रही है, और इसी चीज़ का मुझे डर है कि वी आर रिपीटिंग द हिस्ट्री, वी आर नॉट लर्निंग फ्रॉम आर ब्लंडर्स। आर्मी जब भी डिवाइड होती है किसी भी मुल्क की, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे कोई तरक्की याफ्ता सुपर पावर भी क्यों ना हो, अगर उसकी आर्मी डिवाइड हो जाती है इन टू फैक्शंस, तो वो मुल्क टूट जाता है। और हम इस अजाब से गुजरे हुए हैं, हमारा मुल्क टूटा है पहले, और ये अगर एक दफ़ा टूट सकता है तो दोबारा भी टूट सकता है। और मतलब आप लोग जितना भी इमोशनली बात करो कि नहीं हमारे मुल्क को कुछ नहीं हो सकता, नथिंग कैन हैपन, द रियलिटी इज़ दिस कि पाकिस्तान टूट चुका है एक दफ़ा। ईस्ट पाकिस्तान आपसे ले लिया गया। शेख मुजीबुर रहमान जो है वो आज का नवाज शरीफ था। हसीना वाजिद जो है वो मरियम नवाज की फॉर्म में मुसल्लत की गई, ठीक है, वो अभी तक बैठी हुई है। तो ये मरियम नवाज इज़ द फ्यूचर हसीना वाजिद। शेख मुजीबुर रहमान जो है आज का वो नवाज शरीफ है। अयूब खान, याहिया खान, दो फैक्शंस, दो लॉबीज, बगावत, यू नो कॉन्फ्लिक्ट आर्मी के अंदर, मुल्क टूट गया। जब आपकी आर्मी में डिवीजन हो जाए तो मुल्क टूट जाता है। आज अगर जनरल कमर बाजवा जो हैं उन खुले तरीके से इनको नहीं पकड़ रहे, इनको जेल में नहीं डाल रहे, इनको जेल में रख नहीं रहे हैं, वो पत्थर मार के आ जाती है, उसको कोई कुछ नहीं कहता, उसके ऊपर केस नहीं होता, उसको आप जेल में नहीं डालते, उसको उसकी सज़ा नहीं होती, अदलिया में जाते हैं तो ज़मानतें करा के आ जाते हैं। हमारी आर्मी पावरफुल है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट पावरफुल है, जितना को ये कहते हैं कि एजेंसियाँ इतनी पावरफुल हैं, तो फिर ये जेलों में क्यों नहीं टिक रहे हैं? ये जेलों में जाते हैं और कुछ देर बाद बाहर निकल आते हैं, तो कौन निकालने वाला है इन्हें? इनको, इनके साथ कुछ पावरफुल नेम्स हैं जो कि हिडन है। अगर ये कहते हैं ना इमरान के साथ जनरल शुजा पाशा हैं, ज़हीरुल इस्लाम हैं, और फलाने जनरल हैं, फलाने जनरल हैं, तो इनके साथ भी आर्मी के कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल नेम्स हैं जो कि छुपे हुए हैं, और उनका अपना एक मकसद है। मे बी दे हैव एन ईगो वॉर गोइंग ऑन विद जनरल कमर बाजवा, मे बी दे हैव एन इशू विद हिम, मे बी दे अपसेट कि उन्होंने एक्सटेंशन क्यों कराई है, मे बी दे हैव अ ग्रज अगेंस्ट हिम,
Maybe they're doing it out of the ego, maybe they're doing it out of their, you know, के पर्सनल वो वेंडेटा कि हमने अब उसके बंदे को नहीं आने देना, हम इसको लेकर. लेकिन इसके अंदर व्हाट विल हैपन, अब मैं ये जो इम्पोर्टेंट बात आपको बता रही हूँ, व्हाट विल हैपन इवेंचुअली इज दिस कि इमरान, लेट्स से कि आज, लेट्स से अव्वल तो ऐसा होगा नहीं, लेट्स से कि इमरान आज रेजिग्नेशन दे देता है और यू नो इसकी हुकूमत गिर जाती है, इलेक्शंस होते हैं और नवाज़ की हुकूमत आ जाती है, तो व्हाट डू यू थिंक इमरान इज़ गोना डू? इमरान इज़ गोना डू द सेम थिंग, इज़ गोना सिट ऑन द रोड्स एंड से कि ये तो ज़्यादती हुई है, ये तो इन्होंने डेमोक्रेसी को हाईजैक किया है, इन्होंने ये किया है वो किया है, जो कि ये मोस्ट लाइकली होगा. एट द एंड ऑफ इट क्या होगा, ये एक परपेचुअल साइकिल ऑफ पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान में चलता रहेगा कि ये जब आर्मी डिवाइड हो जाए और फिर आगे से आर्मी की डिवीजन की वजह से ये बार बार एक पॉलिटिकल यू नो इंस्टेबिलिटी के पहले ये अपना क्या नाम है नवाज़ हो गया, ये पीडीएम हो गए, ये जो भी इनके साथ है जरदारी हो गया, फजल रहमान हो गया, यू नो दे स्टार्ट दिस थिंग एंड दे क्रिएट एन एनवायरनमेंट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. और उससे क्या होगा कि पाकिस्तान में ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, क्योंकि कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो ये सोचेगा कि यहाँ पे तो हमें यही नहीं पता है कि प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, स्टेबिलिटी नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है, अचानक यहाँ पे ओवरनाइट रिजीम चेंज हो जाती है, तो हम बात किससे करें, हम किसकी हुकूमत से बात करें, किससे नहीं करें. तो ये फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं. कोई भी बड़ी कंपनी जो है वो फिर आप पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करेगी. फिर टूरिज्म, लोग बार बार सोचेंगे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो रही है, सिविल क्राइसिस की तरफ जा रहा है, ये सीरिया बन जाएगा, ये यमन बन जाएगा, हम क्यों जाए वहां पर. तो ये एक परपेचुअल साइकिल ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चलता रहेगा और उसकी वजह से पाकिस्तान में जो एक इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है वो नहीं आ सकेगी. और जो लोग पाकिस्तान की आर्मी को डिवाइड कर रहे हैं उनको पता है, उनके उनका मकसद ही ये है कि वो किसी वजह से डिवाइड कर रहे हैं. वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ना आए, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना आए, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव पाथवे पे चल के खुद ही टूट फूट जाए. जो 1971 है वो दोबारा रिपीट होने जा रहा है. मैं आपको बता रही हूँ, अगले साल मोस्ट लाइकली अगर आपने स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया तो पाकिस्तान टूट जाएगा. ये अयूब याहिया जो डिवीजन आर्मी के अपने अंदर कू, आर्मी के अपने अंदर बगावत, और फिर एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ये जो डिवीजन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, एंड देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज यू आर हैविंग अ हेड ऑन कोलिजन बिटवीन ऑल दीज पॉलिटिकल पार्टीज विद द करेंट रूलिंग रिजीम. सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट टू हैपन? ब्लड, अ लॉट ऑफ ब्लड शेड. भी आप खुद देखें, दो गाड़ियां हैं, दो ट्रक हैं, वो आपस में टकराएंगे, एंड में मरना जो है वो तो आपके आम आदमी नहीं है. इन लोगों ने तो आराम से अपने प्लेटफॉर्म्स में अपनी इन्होंने फॉरेन सिक्योरिटी बुलाई होती है और ये आपके बिलियंस ऑफ रुपीज़ जो हैं वो अपनी सिक्योरिटी पे खर्च करते हैं. इनके नाम पे मरना तो आपने है, और ब्लडशेड होगा, सिविल क्राइसिस होगा, एक दो गोलियां चल गई तो सीरिया बन जाएंगे. तो यही तो आपके दुश्मन चाहते हैं कि आप खुद ही इसी तरह से आपस में लड़ भड़ के एक दूसरे को मार मूर के, एक दूसरे को कत्ल कर कर के, एक दूसरे से लड़ झगड़ के, एक दूसरे के ऊपर अपनी ईगो वॉर्स मुसल्लत करके पाकिस्तान को एक दफ़ा दोबारा से तोड़ दो, जैसे 1971 में हुआ. अब ये दोबारा हो जाएगा, फिर सबसे पहले आपका वज़ीरिस्तान जाएगा, रोज़ वहाँ पर शहादत हो रही है, फिर आपका जाएगा गिलगित बाल्टिस्तान जो कि ऑलरेडी वहाँ पे इंडिया ने अपनी इंडिपेंडेंट कश्मीर कंप्लीट इंडिपेंडेंट किया. अगर चलो मेरे हाथ से निकल रहा है, इंडिया कह रहा है, तो हम ऐसी कोशिश करें कि इंडिपेंडेंट हो जाए और हमारी वहाँ पे हायरार्की हो. तो उन्होंने अपना बैकअप प्लान रखा हुआ है, तो और उसमें उनके साथ अमेरिका भी है, उसमें उनके साथ इसराइल भी है, उसमें उनके साथ जायनिस्ट सारे हैं. आप को और फिर उसके बाद गिलगित बाल्टिस्तान के बाद ये बलूचिस्तान की तरफ आएंगे, बलूचिस्तान को तोड़ देंगे, फिर बाकी रह गया सिंध. तो इन्होंने तो ऑलरेडी तकसीम किया हुआ है, केपीके वाला एरिया सारा ये ले जाएंगे, फजलुर रहमान को दे देंगे, सिंध वाला दे देंगे जरदारी फैमिली को, वो अपना मुल्क बना लेंगे छोटा सा, ये जैसे किर्गिस्तान और ये
अजरबैजान की तरह के छोटे छोटे मुल्क बना देंगे, ये पंजाब जो है ये नवाज पकड़ के बैठ जाएगा। इन्होंने ऑलरेडी दे हैव डिसाइडेड कि वी आई वांट दिस पार्ट ऑफ द पाई, कि ये एक पाए है या ये एक आप कह लें कि ये एक आलू का परौठा है और हमें इसका ये पार्ट चाहिए तो हमें उसका वो पार्ट चाहिए। तो उन्होंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया हुआ है कि मैं ये रख लेता हूँ, तुम वो रख लो। तो ये इनका ही बड़ा ख़तरनाक एजेंडा है। दूसरा जो पहलू है वो ये है कि यूएस की जो आर्मी है वो निकल रही है अफगानिस्तान से, और इसराइल नहीं चाहता कि यूएस की आर्मी अफगानिस्तान से निकले। अगर पाकिस्तान अनस्टेबल हो जाता है, यहाँ पर रेजीम चेंज हो जाती है, यहाँ पर ब्लडशेड होता है, सिविल क्राइसिस होता है, यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, तो उसके इफ़ेक्ट्स आफ्टर इफ़ेक्ट्स अफगानिस्तान में होंगे। और जो पीस प्रोसेस इस वक्त इतने सुकून से चल रहा है, वो पीस प्रोसेस जो है उसके अंदर बहुत रुकावटें आ जाएंगी, जिसके नतीजे में यूएस की आर्मी के निकलने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। यही चाहता है इंडिया, यही चाहता है इसराइल। मैं इसीलिए मंडे को, मैं आजकल यूएस में हूँ, मैं यहाँ पे लाइव प्रोटेस्ट कर रही हूँ कि ये रिजीम चेंज बिजनेस जिसमें इसराइल इन्वॉल्व है, जिसके इंडिया इन्वॉल्व है, इसको रोका जाए। यूएस की गवर्नमेंट को खुद कोशिश करनी चाहिए कि वो इस प्रोसेस को रोकें, क्योंकि अस्टेबल पाकिस्तान इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ यूएस एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बिकॉज पीसफुल पाकिस्तान, स्टेबल पाकिस्तान, जहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, जहाँ पे टेन्योर्स कंप्लीट हो, जहाँ पे एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड